स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मड बाय द आर्क, थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मड बाय द कोरिस्पोंडिंग कोण। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है, ओके, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और ये सर्कल सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, टोटल 3 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 5 के, टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये आर्क है, इस आर्क की हमें लेंथ निकालनी है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। एंड सेकेंड है हमें इस सेक्टर ए ओ बी का भी एरिया निकालना है। एंड थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरिस्पोंडिंग कॉर्ड, और इस कॉर्ड से मींस यहां से यहां तक इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बनता है, इस सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरिस्पोंडिंग कॉर्ड, इस कॉर्ड से जो एरिया बनेगा हमें उसका सेगमेंट निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ। सो इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं, थीटा बाय 360 2 बाय आर्क, राइट। सो करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 बाय आर। थीटा कितनी है, एंगल कितनी है, 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस कितनी है, 21, 60 1 60 66 36, 9 2 1 2 2 3 6, 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 क्रॉस, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें फॉरवर्ड करने हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में हमें फॉरवर्ड करने हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सो एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं AOBP, area of sector AOBP equals to theta by 360 degree into pi r square, pi r square. What is the value of theta? Theta कितनी है? 60 degree divided by 360 degree into pi r square. Pi की value कितनी है? 22/7. रेडियस कितनी है, 21 into 21, 9 60 1 60 66 36, 7 3 21, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 11 2 22। अब क्या बचा हमारे पास, 21 into 11, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर AOBP, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है। एरिया ऑफ द सेक्टर कितनी है, इस आर्क से जो एरिया मींस इस आर्क से जो सेक्टर बनता है, इस आर्क से जो सेक्टर बनता है, उस सेक्टर का एरिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में है, बहुत इजी। अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट करने से पहले हमें समझना होगा, कि कैसे निकाले एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरिस्पोंडिंग कॉर्ड। ओके, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जो इस कॉर्ड से बना है, राइट। दिस लुक हियर, इस सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ सोचना होगा। ध्यान से देखिए, ए ओ बी पी ये क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी
माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए पी बी, ये सेगमेंट का एरिया। दोस्तों सो देखेंगे एरिया ऑफ, इसलिए करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, सेक्टर ए ओ बी पी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट में से, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेक्टर ए ओ बी पी में से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस करेंगे। सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, 6 × 36 गेटिंग इट, दोनों की साइड्स 21 है, ये दोनों के भी एंगल्स सेम होगी राइट। सो 60 डिग्री ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यू नो क्या होता है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, यहां ए क्या है, ओ ए इंटू ओ बी। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी डिग्री का एंगल है सेंटर पे, 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 21 × 21 माइनस रूट थ्री बाय फोर इंटू ओ ए, ओ ए कितनी है 21 एंड ओ बी कितनी है, ये भी 21 है। नो 61 60 66 36, नो कैसे करेंगे, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22, 2 × 11 = 22। नो 11 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या कितनी मिल जाती है, 231, अब 231 में से माइनस करेंगे कितने, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, मींस इट विल नॉट कैंसिल विद दैट, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 441, और ये रूट 3, 441 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज द आंसर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट एपीबी, area of segment APB is 231 minus 441 root 3 by 4 centimeters square.